वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की भयावह स्थिति है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अल्पवृष्टि है, कहीं सूखा तो कहीं अकाल। ये वास्तव में जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। लगातार जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका उत्सर्जन बढ़ते जा रहा है। उसमें तमाम विश्व के जितने देश हैं उसकी चर्चा भी हुई है, लेकिन अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश, महादेश जिसको बोलें, वो अपने आप को इससे दूर कर लिया। लेकिन आज की स्थिति में यदि हम देखते हैं तो कार्बन उत्सर्जन की स्थिति बहुत खतरनाक है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं lalluram.com। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए दुनिया के लगभग सभी देशों ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर सहमति व्यक्त की थी। समझौता ने अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया। पेरिस समझौते का उद्देश्य सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना था। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कार्बन उत्सर्जन के जो बड़े कारक क्या हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से लगभग 20% इससे होते हैं, कोयला आधारित उद्योगों से 14.6%, पेट्रोलियम पदार्थों से 12.6%, गैस जो अन्य गैस होते हैं उसके प्रयोग से 7.2, सीमेंट उद्योगों से 1.5 कार्बन उत्सर्जन होता है। 37.1 अरब टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ 2018 में, जो 2017 से 3% अधिक रहा। 33 अरब टन का औसत उत्सर्जन प्रति वर्ष होता है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से देश सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं। चीन 9.4 अरब, लगभग विश्व का 29% जो है कार्बन उत्सर्जन चीन करता है। अमेरिका 5.0 अरब, 16% जो है अमेरिका कार्बन उत्सर्जन करता है। भारत 2.7 अरब, लगभग 7% जो है कार्बन उत्सर्जन करता है। वहीं रूस 1.47 अरब, लगभग 5% कार्बन उत्सर्जन जो है पूरे यदि विश्व की हम बात करें तो रूस करता है। जापान 1.14 अरब, लगभग 4% जो है कार्बन उत्सर्जन करता है। जर्मनी 7.30 करोड़, लगभग 2% जो है कार्बन उत्सर्जन करता है। इस तरीके से ये प्रमुख देश हैं जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं, लेकिन सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में चीन, अमेरिका और उसके बाद भारत का नंबर आता है। अभी भी समय है, यदि हम सचेत हो गए तो अपने विश्व को बचा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा बढ़ती जा रही है, ये किसी भयावह स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।